बजाज ग्रुप के भी शेयर्स है, जैसे आप सुबह भी नोटिस करा रहे थे, बजाज फाइनेंस को परेशान क्या रखें, सौदा प्लस करें, इसमें भी जरूरी थोड़ी ना अदानी के शेयर खरीदने सबको। दिब्बी जी, मैं एक्चुअली आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, मैं इस बारे में बात करने वाला था कि मेरी नजर इन सब स्टॉक्स के अलावा ज्यादा बजाज फाइनेंस पे है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे है और जिंदाल स्टील जो मैंने ऑलरेडी रेकमेंड किया, आप बजाज फाइनेंस को ऐड कर लीजिए और स्टॉप लॉस भी फिलहाल इन्वेस्टर स्टॉप लॉस रखिए, डीप रखिए 5,800 पे इंट्राडे के बेसिस पे, और एक बार डे क्लोज हो जाए तो वो स्टॉप लॉस 5,900 पे रख के पोजिशन होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है अभी एक पुल बैक देगा उसके 200 दिनों के एवरेज जो 6,100 पे, तो जब सारा सारी दुनिया अडानी ग्रुप पे फोकस्ड है, मुझे लग रहा है जहां बहुत क्लियर कट मूव है आप वहां पार्टिसिपेट कीजिए। बजाज फाइनेंस डेफिनेटली बाय लिस्ट में जाता है। ठीक है, बजाज फाइनेंस या बाय लिस्ट में जाता है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स की तो बात हो रही है, लेकिन ऑफकोर्स जिस तरह से सीमेंट पैक के अदानी ग्रुप के ही हैं ये दोनों स्टॉक्स भी, एसीसी हो, अंबुजा हो, वहां पर भी आपको 6-6% तक की मूव दिख रही है। सुमित से भी देखते हैं, सुमित आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप कहाँ ट्रेडिंग के मौके ढूंढ रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन है, एसीसी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम बनते दिख रहा है। अगर इंट्राडे की बात करें तो 2015 एक लेवल है जो मुझे अचीवेबल लग रही है। स्टॉप लॉस तो बिल्कुल आज का डे लो का ही रखना चाहिए, 1940 का। विनाश आप बताएं, बाजार को आपने पहले 10-15 मिनट ऑब्जर्व कर लिया है, कुछ अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अभी भी सेलिंग है, लेकिन एफिनो स्टॉक्स में रिकवरी आ गई है, अंबुजा, एसीसी, अदानी एंटरप्राइज 10% नीचे से रिबाउंड किया है, एचडीएफसी बैंक को लेके आइए, रिलायंस को लेके आइए, जिस हिसाब से इंडेक्स संभला है उनका भी रोल, अंबुजा सीमेंट 10% ऊपर, क्या बात है। आप बताइए थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, अविनाश आज दो चार नाम बता दीजिए, 2 महीने के लिए लेना है मुझे, 1 महीने के लिए व्यू लेना है, क्या ले सकते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि अजय एक एलएनटी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, आज कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट एक मीडियम टर्म व्यू भी अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बजट में भी एक्सपेक्टेशन है कि कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जरूर आएंगे, तो एलएनटी एट दिस लेवल लुक्स अट्रैक्टिव। मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं, बोथ रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, तो मुझे लग रहा है लार्ज कैप में एलएनटी पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये मैं इवन करंट लेवल पे खरीदना चाहूंगा। पहले मार्केट अपना दमखम आपको साफ साफ दिखाते हैं, और अजय ने बिल्कुल सही नोटिस किया था कि ठीक है अगर अडानी नहीं तो फिर अंबानी सही, तो अंबानी का शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्क्रीन पे लेके आइए, क्या जोरदार तेजी इसके अंदर आई है, और ना भूलेगा निफ्टी आ चुका है हरे निशान में, 150 पॉइंट का गोता लगाने के बाद अडानी और अंबानी के शेयर दोनों का आज ज्वाइंट एफर्ट्स आपको बाजार पे दिख रहा है, और निफ्टी बैक इन टू ग्रीन और बाजार हरे निशान में लौटा है, बैंक निफ्टी भी जबरदस्त रिकवरी करके आज ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट के अंदर आज हो सकता है थोड़ा बहुत जश्न मिल जाए, थोड़ी देर वेट कीजिएगा, आपको ये भी हरे निशान में दिख जाएगा।